सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। और मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों देख सकते हो, ये है कोंडली का चौराया और यहां पर देख सकते हो फाउंडेशन बना के और पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है। ये देख सकते हो तस्वीर है दोस्तों, इसके बीच में और एक पिलर है उधर की साइड में। तो पिछली बार जब मैंने आप सभी को दिखाया था तब ये फाउंडेशन नहीं बनाया गया था और पिलर का स्ट्रक्चर नहीं खड़ा किया गया था। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। और चलेंगे इधर की साइड में और आपको दिखाएंगे आगे कि आगे जो टनल बनाई जा रही हो वहाँ पर जो रैंप बनाया जा रहा है वो स्टील के गाटर द्वारा बनाया जा रहा है। तस्वीर आप लोग देख सकते हो। और इधर के भी सारे पिलर बन गए हैं, ये देख सकते हो। एक पिलर ये बना दिया, फिर इधर बनाए जा रहे हैं। तो इधर अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को कि क्या वर्क चल रहा है अभी इस टाइम पे। देखो इस तरीके से ये फाउंडेशन बनाया जा रहा है दोस्तों, ये देख सकते हो तस्वीरें। ये देखो टीम लगी हुई है NCRTC की, तो इसको तोड़ा जाएगा। तोड़ने के बाद में फिर इसको एक सार किया जाएगा और फिर यहाँ पर यह फाउंडेशन बनाया जाएगा। तो यहाँ पर नाला है तो देख सकते हो 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9, देखो 9 पाइल किए गए हैं ज़मीन के अंदर। तब यहाँ पर एक पिलर ऊपर खड़ा किया जाएगा दोस्तों। ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये फाउंडेशन बनाया जा रहा है। ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये फाउंडेशन बनाया जाएगा। तो पहले इसको ये लगाए जाते हैं, देखो ये चीज़ इसके अंदर। ये देखो यहाँ पर ये फंस जाते हैं दोनों के बीच में, ये फिर ये इनको निकाला जाएगा। तब यहाँ पर अंदर पानी भी नहीं जाता इसके अंदर, तो देख सकते हो वो वहाँ से निकल रहा था पानी, तो यही वर्क चल रहा है। और वहाँ पर वो देखो वो पिलर बनाए जा रहे हैं, तो उधर भी एक पिलर फाउंडेशन का काम चल रहा है, तो उधर भी एक पिलर बनाया जाना है दोस्तों। तो यही सीन है यहाँ का। और ये है जगह, ये है कोंडली, कोंडली में ही ये बनाया जा रहा है दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो। तो यहाँ पर अभी टाइम लग जाएगा, तो चलते हैं आगे दिखाते हैं चल के। तो आज आप लोगों को न्यू अशोक नगर का भी दिखाने की मैं कोशिश करूँगा। तो देखो JCB लगी हुई है, वो देख सकते हैं ये। वहाँ पर भी एक पिलर बनाया जाना है, फिर उसके बाद में नाले के बाद में एक पिलर बनाया जाना है। तो यही सीन है यहाँ का दोस्तों। चलो चलते हैं, अब चलते हैं आगे। एक पिलर ये बना दिया, देखो इसमें कंक्रीट भरा जाएगा, फिर इसमें पियर कैप का काम किया जाना है। तो यही वर्क चल रहा है यहाँ पर। अब चलते हैं आगे, दिखाते हैं चल के आप सभी को दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ फाउंडेशन ही ये बनाया जा रहा है। इधर भी इन्होंने पाइल तो कर दिया है, अब फाउंडेशन बनाने का काम किया जाना है। देख सकते हो वो वहाँ पर किया गया है। तो चलो दिखा देते हैं आप लोगों को कि किस तरीके से ये फाउंडेशन बनाते हैं गाइस। इधर से दिखाते हैं आप सभी को, देखो इस तरीके से ये फाउंडेशन बनाया है इन्होंने नाले में। तो यहाँ तो ये भी फाउंडेशन ही है, देखो एक ये पिलर है एक वो पिलर है, देख सकते हो। अभी यहाँ पर नहीं चमक रहा कुछ भी। तो देखो यहाँ पर ये पिलर बनाया जा रहा है और फिर इस पर इसकी मिट्टी निकाली जाएगी। मिट्टी निकालने के बाद में फिर इस पर फाउंडेशन बनाया जाएगा, फिर उस पर पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाएगा जैसा वो किया गया है। देख सकते हो तस्वीर है दोस्तों। तो यही सीन है यहाँ का। तो दिखाते हैं आप लोगों को, देखो वो कुछ इस तरीके से ये फाउंडेशन बनाया यहाँ पर नाली पे। देखो ये है फाउंडेशन यहाँ का, देखो फाउंडेशन बनाया जाएगा। तो आपको बता दूँ कि इस पर पाइल तो कर दिया इन्होंने और उधर वो लॉन्चर लगा हुआ है बिल्कुल लास्ट में, वो लॉन्चर लगा हुआ है और यहाँ पर ये सारे पिलर भरे जा रहे हैं और यही वर्क चल रहा है अभी। देखो यहाँ पर मशीनें कितनी भारी भरकम है गाइस। तो यही है और देखो ये नाला जा रहा है पूरा, देख सकते हो नाले को। और ये नाले को क्रॉस करने के बाद में फिर ये बनाया जा रहा है, देखो वो लगी हुई है। तो यहाँ पर एक पिलर उधर है, एक ये है और एक ये पिलर है दोस्तों ये वाला, फिर एक वो है। ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा आगे, फिर आगे जाकर अंडरग्राउंड हो जाएगी। तो दिखाते हैं चल के आपको वहीं का नज़ारा दोस्तों। तो यही सीन है यहाँ का, अब चलते हैं आगे दिखाते हैं चल के। देखो ये फाउंडेशन का ही काम किया जा रहा है अभी इस टाइम पे। देखो एक पिलर ये है, इसका फाउंडेशन बना दिया इन्होंने और फाउंडेशन बना के ये पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया ऊपर की साइड में। देख सकते हो अभी इसमें कंक्रीट भरा जाना है और कंक्रीट भर के फिर इसमें सारे पिलर इस भी कनेक्ट हो जाएंगे। उधर से आ रही है देख सकते हो न्यू अशोक नगर की साइड से, और यहाँ से जाके एक पिलर वो बनाया जा रहा है, वहाँ से फिर अंडरग्राउंड हो जाएगा। तो चलिए उधर का भी आप लोगों को दिखाते हैं चल के कि वहाँ का क्या सीन है गाइस। तो यहाँ पर ये बनाया जा रहा है,
एक ब्रिज बनाया जाएगा उधर से इधर आने के लिए। और ये देख सकते, ये है कोंडली। तो ये सीन है, और चलते हैं आगे, दिखाते हैं चल के। एक पिलर वहाँ बनाया जाना है अभी, एक आगे वो मशीन लगी हुई है। तो चलते हैं आगे, दिखाते हैं चल के। तो कुछ यही सीन है यहाँ का, ये देख सकते हो। दोस्तों देख सकते हो तस्वीरें, और ये हम आ चुके हैं कोंडली से उधर का। अभी मैं उधर से आया हूँ, आपको बता दूँ उधर से। देखो एक पिलर का फाउंडेशन वो बन गया है, दूसरा ये रहा, ठीक है, और तीसरा देखो ये पिलर है। यहाँ से फिर अंडरग्राउंड हो जाएगी, और यहाँ पर ये बनाया जा रहा है आयरन ब्रिज, ये देख सकते हो। क्योंकि रैंप नहीं बनाया इन्होंने, तो स्टील का ये रैंप बनाया जा रहा है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर कुछ ये वर्क चल रहा है कोंडली में। ये देखो तस्वीरें आप लोग, तो यहाँ पर ये स्टार्टिंग हो चुकी है। ऐसे ये बनाते हुए उस पिलर पर कनेक्ट किया जाना है दोस्तों, ये देख सकते हो। तो यही सीन है यहाँ का। तो आप लोग बताना वीडियो कैसा लगा, और देख सकते हो ये टनल का काम चल रहा है इधर की साइड में ये सारा। और आगे जाके आनंद विहार पड़ेगा, आनंद विहार में अंडरग्राउंड है ही RRTS का स्टेशन दोस्तों। तो आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों। देखो ये चल रहा है वर्क, क्योंकि अभी थोड़ा धूल धूल सा है, सुबह का नज़ारा है। और देखो ईगल ही ईगल उड़ रही हैं ये आसमान में। तो यहाँ पर ये लास्ट पिलर है दोस्तों, और यहाँ से ये नीचे अंडरग्राउंड हो जाएगी RRTS गाइस। ये देखो ये चल रहा है काम, ये बनाया जा रहा है स्टील का ब्रिज, स्टील का ब्रिज बनाया जा रहा है इस साइड में यहाँ से, और उस पिलर तक यार कनेक्ट किया जाना है दोस्तों। ये देख सकते हो तस्वीरें। तो यही सीन है यहाँ का, आगे पड़ेगा आनंद विहार। तो बस यही था यहाँ का, और आप लोग बताना कि वीडियो कैसा लगा आप सभी को। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए KP संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो KP संत के चैनल पर, KP संत लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं। अब दोस्तों देखो ये देखने के लिए मिलेगा आप सभी को यहाँ से, ठीक है। हाँ तो घुमा के ला रहा हूँ, ये देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर चल रहा है वर्क। और देख सकते हो ये जो ये है फ्रेगमेंट, ये लगाए जा रहे हैं उधर की साइड में। तो यही वर्क चल रहा है अभी NCRTC द्वारा, देख सकते हो ये तस्वीरें। तो ये सारे ये गाटर लगाए जाएंगे इधर, देखो ये सारे में ही वर्क चल रहा है। तो ये सारे में ही यहाँ पर ये स्टील के गाटर द्वारा इसका स्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है, और आगे लॉन्चर लगा हुआ है। तो दिखाते हैं चल के आप सभी को। तो कुछ ऐसा वर्क चल रहा है यहाँ पे, ये देख सकते हो ये सारे में ही वर्क चल रहा है। पर ये जो नज़ारा है वो है दोस्तों न्यू अशोक नगर साइड का, ये देख सकते हो सारे में ही सारे पिलर का फाउंडेशन बन चुका है। और फाउंडेशन बनने के बाद में देख सकते हो ये पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है। और इसका ये है पियर कैप दोस्तों, ये देखो ये पियर कैप आया है गाड़ियों से। तो अभी जो वर्क चल रहा है दोस्तों वो चल रहा है, देख सकते हो कहीं कहीं ये फाउंडेशन बनाया जा रहा है इधर की साइड में, ये देख सकते हो ये वर्क चल रहा है। ये देखो ये बना रही है टीम, लगी हुई है इसकी, ये सेटिंग लगा दी है, पियर भरे जा रहे हैं दोस्तों। तो यही वर्क चल रहा है, और बीच बीच में देख सकते हो ये पिलर का फाउंडेशन बना के इसमें रिंग लगाए जा रहे हैं। और रिंग लग जाने के बाद में दोस्तों फिर इस पर कॉन्क्रीट भर दिया जाएगा, ये देख सकते हो। और इधर ये पियर कैप का काम किया जा रहा है, तो यही नज़ारा है। और लॉन्चर वो आप लोगों को आगे देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर यही वर्क चल रहा है दोस्तों, और ये जो कंपनी है यहाँ है FCON कंपनी द्वारा, FCON इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड। तो यही वर्क चल रहा है यहाँ पर दोस्तों, देखो अब इसका ये फाउंडेशन बन गया, और इस पर अब इसको बाहर से भी जोड़ दिया जाएगा। टीम देखो ये लगी हुई है, तो यही वर्क चल रहा है, ये सारे में ही अभी ये लगाए जाने हैं दोस्तों। और जैसे ही हम इसमें बिल्कुल लास्ट में जाएंगे तो आप लोगों को न्यू अशोक नगर का RRTS का स्टेशन देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। ये देख सकते हो ये टीम यहाँ पर
पार्क करती हुई इस जगह पे देख सकते हो। यहाँ पर ये जेसीबी मशीन भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर यही वर्क चल रहा है अभी इस टाइम पे दोस्तों। ये देख सकते हैं आप लोगों को लॉन्चर भी देखने के लिए मिलेगा भाई। देखो वो ट्रक भी आ रहा है अभी इस टाइम पे। तो यहाँ पर बस यही वर्क चल रहा है क्योंकि ये ट्रक द्वारा देखो लाया जा रहा है सामान सारे में, और लॉन्चर वो आप लोगों को आगे देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो आप लोग बताना कि वीडियो कैसा लगा आप सभी को, और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर गाइस। ये देख सकते हो तस्वीरें। तो यहाँ पर ये वर्क चल रहा है अभी इस टाइम पे। देखो ये चल रहा है यहाँ पे, और आगे वो जेसीबी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी क्रेन मशीन। तो वर्क यही चल रहा है यहाँ पे इस टाइम पे। ये देखो ये लॉन्चर लगा हुआ है जो एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट कर रहा है तेजी के साथ में दोस्तों। तो बताना आप लोग कि वीडियो कैसा लगा आप सभी को। तो यही नज़ारा है, आगे खड़ा हुआ है मशीन। तो देखते हैं आगे निकलने के लिए जगह मिलेगा या नहीं मिलेगा दोस्तों। ये देख सकते हो, फिर चलते हैं आपको दिखाते हुए गाइस। तो सारे में ही अभी वर्क चल रहा है इस न्यू अशोक नगर की साइड में गाइस। ये देख सकते हो ये सारे में ही, ये आपको बता दूं दोस्तों, देखो ये हैं सारे लॉन्चर के, ये सेगमेंट जितने भी हैं ये सारे लॉन्चर के ही हैं। तो आगे दिखाते हैं चल के, क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा ये स्टील का ब्रिज बनाया जाना है, स्टील का ही स्ट्रक्चर बनाया जाएगा दोस्तों। तो इसी वजह से ये ब्रिज के ही वो रखे हुए हैं सेगमेंट। ये देख सकते हो किस तरीके से ये बनाया जा रहा है, और देख सकते हैं आगे चल के। देखो वो निकालते हैं नहीं निकालते हैं, अभी हम चलते हैं आगे और दिखाते हैं चल के आप सभी को गाइस, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ये चल रहा है। तो ये चलो आगे दिखाते हैं चल के न्यू अशोक नगर के साइड में आप सभी को। चलते हैं, देखो ये गेट लगाए हुए हैं, बस निकलने नहीं देते हैं ज़्यादातर लोगों को, बंद करके ही रखते हैं ये। They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed. And then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy. And I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that. ये दोस्तों न्यू अशोक नगर का RRTS मेट्रो स्टेशन देख सकते हो, और इस साइड में बनाया जा रहा RRTS के स्टेशन। तो इसको अभी क्रॉस कराया जाना है, देख सकते हो ये ब्लू लाइन को क्रॉस करेगी, और यहाँ पर ये वर्क चल रहा है पिलर को जोड़ने का। ये देख सकते हो ये न्यू अशोक नगर का स्टेशन है दोस्तों, और वो तस्वीर आप लोग देख सकते हो। ये कौन कौन से लेवल का अभी काम चल रहा है, फिर इस पर प्लेटफॉर्म लेवल को और जोड़ा जाएगा दोस्तों। तो इस पर प्लेटफॉर्म लेवल के लिए देखो ये जोड़ दिया इतना,
और ये कॉन्कोच लेवल का काम है, देख सकते हो ये एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट करने का जो काम है वो किया जा रहा है गाइस। ये देखो ये है सारा में काम, ये देख सकते हो प्लेटफॉर्म काफ़ी लंबा चौड़ा बनेगा, तो अभी कॉन्कोच लेवल का ही वर्क चल रहा है अभी इस टाइम पे। ये देखो कुछ ये है, वहाँ पर लॉन्चर लगा हुआ है जो कि जोड़ रहा है सेगमेंट को, ये देख सकते हो तस्वीर है गाइस। तो आप लोग बताना तो यही वर्क चल रहा है, देखो ये लगी हुई है मशीन। और अब चलते हैं वापसी, और इधर आपको बता दूँ सराय काले खां पड़ेगा, ये DND का जो ये यमुना रिवर है उसको क्रॉस करते हुए निकल जाएगा जो आपने पिछली वीडियो में देखा होगा दोस्तों। तो यहाँ पर बस यही वर्क चल रहा है, तो चलते हैं अब रिटर्न। तो यही था सारा नज़ारा, तो आप लोग बताना वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए KP संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो KP संत के चैनल पर। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस।